हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे बिडाल टेस्ट से संबंधित कुछ जानकारियां जो आपको नहीं पता है, और मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ कन्फ्यूजन्स क्लियर करने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा कि ये टेस्ट गलत कब होता है और ये टेस्ट पॉजिटिव कब मानते हैं हम, और अगर आपने टेस्ट करा लिया है तो इसकी रिपोर्ट्स आप घर पर कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिडाल टेस्ट होता क्या है। बिडाल टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जो आपके शरीर में टाइफाइड यानी कि मोती जरा के इन्फेक्शन को पता लगाने के लिए किया जाता है। मोती जरा को इंग्लिश में टाइफाइड कहा जाता है, और इसको एक आम लैंग्वेज में मियादी बुखार भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि बिडाल टेस्ट अगर हमने कराया है, इसका मतलब आपके डॉक्टर ने टाइफाइड या मोती जरा देखने के लिए इस टेस्ट को कराया है। अब हम समझ लेते हैं कि टेस्ट आपने करा लिया और इस टेस्ट कराने के बाद आपके पास ये रिपोर्ट इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है 1:20, 1:40, 1:80, 1:160, 1:320 एंड कंट्रोल। तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि पॉजिटिव कब है। एस टाइफी ओ, एस टाइफी एच, एस टाइफी ए एच, एस टाइफी बी एच। एस यानी कि साल्मोनेला, टाइफी ओ एंटीजन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तक पॉजिटिव है, यहाँ तक पॉजिटिव है, इसका मतलब है यहाँ तक पॉजिटिव है, यहाँ तक पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है। देखिए, यहाँ तक पॉजिटिव नहीं है। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव होता तो 1:80 तक आता, यानी कि यहाँ तक आता और यहाँ से ये पॉजिटिव पॉजिटिव चला जाता। ज़रूरी नहीं है कि ये हर किसी को 1:320 पर पॉजिटिव आए। यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, हो सकता है किसी किसी को टाइफी ओ और टाइफी एच पॉजिटिव आए दोनों, जैसे इस तरीके से देखिए इसमें 1:40, 1:40 पर है और यहाँ पर देखिए नहीं है, यानी कि टेस्ट नेगेटिव है। अगर 1:80 से ऊपर जाता है तो इस टेस्ट को हम पॉजिटिव मानते हैं, और अगर ये इससे नीचे जाता है तो इस टेस्ट को हम नेगेटिव मानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये इन्फेक्शन जो है एस टाइफी ओ और एस टाइफी एच, ये इन्फेक्शन जो है, इसका मतलब है कि इन्फेक्शन आपको हाल ही में हुआ है, ज़्यादा लंबे समय से इन्फेक्शन नहीं है। और अगर मान लीजिए ये दोनों भी पॉजिटिव आते हैं तो हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन थोड़े लंबे समय से हो, पुराना भी इन्फेक्शन आपको इसमें आ सकता है। पॉजिटिव कब कहेंगे, 1:80 से जब ऊपर जाता है, यहाँ तक अगर पॉजिटिव आता है, यहाँ तक पॉजिटिव आता है, यहाँ तक पॉजिटिव आता है, प्लस आ रहा है, देखिए ये प्लस है, ये निगेटिव है, प्लस माइनस है ना। तो यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो इसे हम पॉजिटिव कहते हैं, यहाँ से अगर इधर पॉजिटिव रहता है तो इसे हम निगेटिव की कैटेगरी में रखते हैं। अब हम बात समझ लेते हैं कि ये निगेटिव टेस्ट कब माना जाता है, यानी कि फाल्स टेस्ट कब माना जाता है। कुछ मरीजों को ट्यूबरक्लोसिस या अर्थराइटिस से संबंधित बीमारियों में ये टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है, यानी कि जिन मरीजों को ट्यूबरक्लोसिस है, या फिर ऐसे मरीज जिनको अर्थराइटिस है, ऐसे मरीजों को ये पॉजिटिव आ सकता है। कंफर्मेशन के लिए हमें कल्चर एंड सेंसिटिविटी करा लेना चाहिए या फिर टाइफी डॉट टेस्ट करा लेना चाहिए। टाइफी डॉट टेस्ट क्या होता है हम डिस्कस करेंगे एक नई वीडियो में, कि टाइफी डॉट टेस्ट क्या होता है उसके बारे में भी हम समझेंगे और जानेंगे कि टाइफी डॉट इसके लिए स्पेसिफिक क्यों है, यानी कि इससे अच्छा जो टेस्ट है वो टाइफी डॉट होता है। और कल्चर एंड सेंसिटिविटी अगर हम कराते हैं तो उसमें भी हमें पता लग जाता है स्टूल के द्वारा कि इसमें बैक्टीरिया हमारा है आंतों में आपके में या नहीं है। तो ये जो एक टेस्ट था बिडाल टेस्ट के बारे में, मैं आशा करता हूँ कि आपने समझ लिया होगा। बिडाल टेस्ट को पॉजिटिव हमें तब मानना है जब 1:80 से ऊपर जाता है, तब तक हमें ये पॉजिटिव की कैटेगरी में रखना है, अदरवाइज हमें इसकी ये निगेटिव की कैटेगरी में यानी कि नकारात्मक परिणाम के रूप में ये हमें मानना है। तो आज आपने सीख लिया होगा कि बिडाल टेस्ट को कैसे देखते हैं, बिडाल टेस्ट को पॉजिटिव कब मानते हैं और बिडाल टेस्ट को नेगेटिव कब मानते हैं, बिडाल टेस्ट झूठक कब आता है, ये भी आज आपने इस वीडियो में समझ लिया है। हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में बिडाल टेस्ट क्यों करवाते हैं और बिडाल टेस्ट सही है या फिर टाइफी डॉट टेस्ट सही है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट करना। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।